मम्मी इतनी देर हो गई से खाना नहीं बना। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, उसे जल्दी गया तो खाना तैयार कर देगी मेरा। भाई मैं क्या करूं, एक घंटे से लग रही किचन में, पता नहीं क्या कर रही महारानी। देख लो जाकर उसे। अरे तू ही देखे जाकर। अरे मैं चला जाऊंगा, मेरा बेफालतू तो हाथ उठ जाएगा, मैं ना चाहता सुबह सुबह उसको हाथ उठाऊं। तो भैया क्या हो गया, खाने तो बना रही है, थोड़ा सा टाइम लग गया तो क्या आफत आ गई? ओए तू ज्यादा बोल लिया क्या, चुप होगा मैं लेट जा, अब बनाऊ तुझे उसका हिमायती। तुझे अपने बड़े भाई के आगे जुबान लड़ा दे, शर्म ना रही? ठीक है मम्मी, मैं ना कह रही कुछ भी, कर लो जो करना है। जब एक बार देखे हो मेरा दिमाग खराब हो रहा बहुत ज्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है तुमने सर पर चढ़ा रखा उसे। हाँ हाँ मैंने सर पर चढ़ा रखी उसे, तू तो कुछ ना कहता उसे, ना कभी डांट दे धमका दे कुछ भी कर ले, मेरे से कह रहा सर पे चढ़ा रखा। मम्मी मैं सर इसलिए कुछ ना कहता, मेरा बेफालतू के हाथ उठ जाएगा उस पे, मैं ना चाहता उस पे बेफालतू के हाथ उठाऊं। तू कहाँ हाथ उठाएगा उस पे, तू तो पूरा जोरू का गुलाम हो रहा, देखता रहे बेटा कुछ दिन बाद तेरे पे हाथ उठाएगी वो। मम्मी तुम मेरा बेफालतू के दिमाग मत खराब करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जाकर देख लो खाना बनाया नहीं बना। इसका तो डेली का काम होगा यो। ठीक है तू बैठ जा, मैं देख के आ रही हूँ। देख का जल्दी 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 रोटी बना ले रही हूँ, मम्मी जी का तो टिफिन पैक कर दिया, अब मम्मी को और दे देती हूँ। अगर मम्मी जी को जल्दी खाना नहीं दिया तो गुस्सा करेंगी वो। ए बहू रानी अब तो तेरे पे खाना ना बना, तुझे टाइम ना पता, ड्यूटी भी जाएगा मित, कहाँ है उसका टिफिन, खाना कर दिया पैक तुमने उसका? मम्मी जी बस उनका टिफिन तो कर दिया, बस आपके लिए बना रही थी। इन हाथों पैरों को तेज तेज चला लेकर। लगता है मम्मी से जवान चला रही है, और बताऊ सर। मम्मी जी आप अमित जी को टिफिन पकड़ा दो, जब तक मैं आपका खाना लेके आती हूँ। ए भगवान देख ले बेटा, तेरा तो टिफिन पैक कर दिया, मुझे कह रही मम्मी जी अभी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। कह रही ओए यू क्या सुन रहा हूं मैं, मुझसे पहले मेरी माँ को खाना देती। वो आप लेट हो रहे थे ना इसलिए मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया, मैंने सोचा मम्मी तो घर में ही रहती है, मैं मम्मी जी को थोड़ी देर में दे दूंगी। अगर मेरी माँ को खाना ना दिया ना टाइम से तो तेरे मुंह पर तारा मारूंगा। रहन दे बेटा रहन दे, ये घर का काम काज कौन करेगी फिर, ऐसे काम मत कर, जा तू ऑफिस चला जा। इधर कुआ मेरे से पहले ना मेरी माँ को खाना दे देकर, मैं तेरे में ना। रहन दे बेटा रहन दे, इसके मुंह मत लग, जा तू भी चला जा। सारा मूड खराब कर दिया। भाभी क्या हो गया? तन्नू मेरी क्या गलती थी, मैंने इतनी जल्दी तो खाना बनाया बल्कि उनका टिफिन भी पैक कर दिया, मम्मी ने बेमतलब में उनसे शिकायत लगा के मेरी डांट करवा दी। भाभी तुम रो मत, तुम्हें पता तो है माँ और भाई कैसे हैं, मैंने उन्हें इतना समझा लिया वो मेरी एक नहीं सुनते, मैं बताओ क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ। तन्नू अगर मेरी गलती हो तो मैं से बोलो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझसे बिगर गलती का बोला जाए तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी मैं खुद मजबूर हूँ, मैं अगर भैया को कुछ कहती हूँ तो माँ भैया मुझे सुनाने लग जाते हैं। चलो आप रो मत, खाना मैं बना के लेकर आती हूँ, आप अंदर बैठो। नहीं तन्नू तुम जाओ, मैं खुद बना लूंगी, अगर मम्मी देखेंगी तो वो यही कहेंगी कि मेरी बेटी से काम करवा रही है और मेरी बेटी को सिखा रही है, मैं खुद बना लूंगी खाना, आप जाओ। तो भाभी मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं मैं खुद कर लूंगी, बस रोटी तो बनाना है, मैं बना लूंगी। ठीक है भाभी।
ए महारानी, घर का काम कर लिया तूने सारा, यहाँ बैठ गए ठूसने। घर का काम के तेरे बाप करेगा? वो मम्मी अभी करने वाले थे, वो जरा सी मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा दो रोटी खा के काम करूं। हाँ तुझे तो भूख लग गई, बहुत तूने कीड़े पलट दिया ना, खड़ी होके घर का काम कर ले, जाके जा। ठीक है मम्मी जी, कर रही हूँ जाके। खड़ी हो जल्दी। मम्मी भाभी को रोटी तो खान दो, तुम तो बिल्कुल ही हद कर रही हो, अब रोटी भी नहीं खान दे रही चैन से। तू चुप रह ले, आज जाके जा पढ़ ले, ज्यादा दिमाग मत लगा। मम्मी मैं इसमें गलत क्या कह रही हूँ, भाभी को पहले आराम से खाना खा लें दो, फिर भाभी कर लेगी ना काम। घर का काम करके भी तो खाना खा सकती है। क्यों मम्मी, भाभी खाना खा के भी तो काम कर सकती है ना। ज्यादा जुबान मत लड़ा, जाके पढ़ाई कर ले अपनी। कोई बात नहीं दीदी, मैं काम करके उसके बाद खाना खा लूंगी, मैं पहले काम कर लेती हूँ। जाके काम कर ले जल्दी, काम की नकाज की दुश्मन अनाज की, पूरा दिन खाओ खाओ पे लगी रहती है, काम हिल्ला करना कुछ नास के बस की। भगवान ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो माँ जी बात बात पे इतना गुस्सा करती है। मेरी तो कोई भी नहीं सुनता इस घर में, यहाँ तक कि वो भी मेरा साथ नहीं देते, वो भी मुझ पे गुस्सा करते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? इस मरहाने का तो सोना खत्म ना होता, खाना और सोना, काम ना दिखाई दे रहा कुछ भी से। सारे घर में धूल जमी पड़ी, ना कभी है सफाई कर ले कुछ कर ले, तो यहाँ से मारी छत्ती पे जमा गया। मम्मी तुम काम कर रही हो? क्या करूं भाई, पूरा दिन होगा सारा काम पड़ा, शाम होली। और वो कहाँ है? आराम फरमा रहे अपने कमरे में। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, मेरी माँ काम करे वो आराम फरमाए, आज बता दूँ साले को। हाँ हाँ तेरे बस की ना, कुछ भी बताना, तू ना बताना है कभी भी। ये बताएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी भोकड़ आके बड़ी घर में। ओए उठियो, घर का काम कर लिया? वो मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। ये सब ना तेरे बहाने बहाने, तेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, यहाँ तू आराम फरमा रही है, माँ मेरी मम्मी से तू काम करवा रही है। मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मेरे पे उठा नहीं जा रहा। अच्छा अभी भी बहाने बना रही है, जाकर उठ जा भी। बताऊँ तुझे, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे तुम? ये तेरी मजबूरी है, तेरी मजबूरी हो या ना हो जाके चुपचाप खाना बना ले, नहीं तो बैग पकड़ो रास्ते नाप यहाँ से अपना। ठीक है बना रही हूँ खाना। क्या हुआ बाबा पे क्यों चिल्ला रहे हो? इस पे चिल्लाऊ ना होता इसके आगे आरती उतारू मैं, सुबह से शाम हो गई अभी तक इन्हें खाना नहीं बनाया। भैया भाभी की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, खाना मैं बना देती हूँ ना। तू जा अपने कमरे में, काम यही करेगी, इसके सब बहाने, इसके कुछ ना दर्द वर्द। भैया आप भाभी के पीछे क्यों पड़े रहते हो, माँ भी भाभी के पीछे पड़ी रहती है और आप भी, वो भी तो इंसान है, उनको भी तो आराम की जरूरत है। ज्यादा जवान चला रही है, चल अपने कमरे में। तुझे अभी भी सुनाई नहीं आई क्या? खड़ी हो जा, खड़ी जाके जा। भी बताऊंगा यार, आराम करना आ रही है।
तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रही? तुम्हारा लुंडा है ना वो, घना चौड़ा हो रहा है, उसने मारा। कुछ कहा होगा तुमने उसे, ऐसे मार दिया उसने। मैं क्यों कुछ कहती, मैं तो बस नु कह रही थी कि भाभी पे क्यों चिल्ला रहे हो। तेरी भी जुबान ज्यादा निकल रही है। मेरी तो जुबान निकल रही, इस घर में तुम्हारी नहीं निकल रही। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया, मैंने बस ये तो कहा था कि भाभी की तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद काम कर लेंगी। तो बीच में बोल रहे क्यों है बेटा, चल चुप हो जा, समझाऊंगी मैं उसे, चल चुप हो जा। अरे तनु उस महारानी को देख ले, एक कप चाय न बनेगा अब तक उसपे। अरे मम्मी ला रही होंगी, तुम तो बिल्कुल ही हद कर दी। लिया ही महारानी चाय। भाभी आपकी तबीयत ठीक है अब? तन्नु अभी मुझे आराम नहीं है, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। तो भाभी चलो मैं आपको दवाई दिलवा के ले आती हूँ। तन्नु इसका कुछ नहीं हो रहा, सब काम करने के बहाने हैं इसके, इसे लेके जाके डॉक्टर के और पैसे फुकवाएगी नही। अब इससे एक गोली मंगवा दूंगी मैं, दो दे दिए इसे। मम्मी कोई आफत आ जाएगी, भाभी 100 रुपए की दवाई ले आएंगी तो। हाँ पैसे तो पेड़ पर लग रहे हैं ना। अरे वो तो अमित को ही पता है, वो कैसे कैसे जोड़ रहा है तेरे ब्याह के लिए पैसे। आ गए बेटा? हाँ माँ आ तो गया। इसे कैसे खड़ा कर रखा बाहर? अरे भाई ये चाय मंगाई थी, एक घंटे में लेकर आई, इसलिए खड़ी बाहर। या मम्मी इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अरे बेटा इसकी तो छोड़, जिस काम को मैंने भेजा था वो काम हो गया? हाँ मम्मी वो काम तो हो गया, मुझे लड़का पसंद भी है, उनका अपना मकान है, अच्छी नौकरी करता लड़का, और बिल्कुल मतलब ठीक है एकदम मामला। भैया लड़का किसके लिए देखने गए थे? लड़का किसको देखने गए थे? तेरे लिए देखने गया था, और किसके लिए जाता? मेरे लिए? मैं कोई शादी वादी न कर रही, कभी किसी और भूल में हो। शादी न कर रही? हाँ। तनु ऐसे कैसे बोले तुम्हें भाई के सामने, तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी करनी है, अब पढ़ाई भी पूरी होगी तेरी। मम्मी जब मैंने आपसे एक बार बोल दिया मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मुझे ये बता शादी क्यों नहीं करनी तुझे, इसने कुछ सिखाया क्या तुझे? मम्मी भाभी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन जैसा आज भाभी के साथ हो रहा है, अगर कल को वैसे मेरे ससुराल में मेरे साथ होगा, मेरा पति मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरी सास मेरे साथ ऐसा करेगी, तो तुम्हारे जी पे क्या बीतेगी? तो इसलिए मुझे शादी से डर लगता है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। और कल को मेरे साथ ऐसा होगा तो तुम दोनों के जी पे क्या बीतेगी? भाभी भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, तुम लोग उनके साथ कैसा करते हो? इसलिए मुझे डर लगता है शादी से, कि आज जो भाभी के साथ हो रहा है कल को मेरे साथ ना हो। माँ आज तन्नू ने ना मेरी आंखें खोल दी, स्वाति के साथ जो भी मैंने करा ना बहुत गलत करा है। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, कल को हमारी बेटी के साथ हो तो हमें कैसा लगेगा ऐसा? स्वाति मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं, मुझे माफ कर दो। हाँ अमित बेटा स्वाति कितनी अच्छी है, हमने से कितना परेशान करा लेकिन इसने अपने घर पे एक बार भी नहीं बताया। स्वाति बेटा मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी आप लोग मुझसे माफी मत मांगो, मैं नहीं चाहती मेरे घर की बात मेरे घर तक जाए। नहीं बेटा जैसी मेरी तनु बेटी ऐसी तू ही मेरी बेटी। माँ आज भी तुमने भाभी को अपनी बेटी माना, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि भाभी को तुम मेरी तरह रखो। हाँ बेटा आज से मैं अपनी तनु की तरह ही रखूंगी तुझे बेटी बना के।